थैंक यू सो मच। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, उससे भी ज़्यादा प्राउड इस बात का फील हो रहा है कि तालिब दादा, जिनको मैं इतने सालों से जानती थी, आज वो इस जगह पर पहुंच गए हैं कि एक अवार्ड शो उन्होंने यू नो ऑर्गेनाइज किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड अबाउट सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है। मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिंग से ज़्यादा मुझे म्यूज़िक पसंद है, और इसीलिए शायद मैं यहाँ म्यूज़िक लॉन्च वाले इस अवार्ड शो में आई हूँ। अदरवाइज़ मैं अवार्ड शोज़ में नहीं जाती हूँ। तो यस, आई एम हैप्पी एंड उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। अभी तो मैं सिर्फ कुंडली भाग्य का ही शो कर रही हूँ, बिकॉज एज यू पीपल नो कि जब आप एक टीवी सीरियल करते हो तो आपको उसी में स्टक रहना पड़ता है, 15 to 20 days उसमें देने पड़ते हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए वही कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। हाँ, देखिए जो मेरी पूरी टीम है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। और रही बात राजवीर की, मतलब पारस की, या फिर मैं बात करूँ मोहित की, या फिर सोहिल, या फिर किसी की भी अगर मैं बात करती हूँ, तो दे आर वेरी नाइस पीपल एंड वेरी हम्बल। और मतलब एक तरह से ना, जैसे एक एक्टर का सेकंड होम होता है सेट, बिकॉज हम घर पे सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, बाकी पूरा दिन हमारा उस सेट पर ही निकलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी पूरी टीम से, और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं एंड आई फील ग्रेटफुल कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच एवरी वन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टीम। थैंक यू, थैंक यू। कबरुद्दीन सर और जुबेश सर मेरी बेटी को आगे लॉन्च करना चाहते हैं, और सॉन्ग में और मूवी में वो सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे इस बात से खुशी है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मेरी बेटी को कि बोलती नहीं है, वो एक अच्छी डांसर है और एक अच्छी एक्टर है। मैंने 3 साल से कोशिश कर रही हूँ अपनी बेटी को आगे ले जाने के लिए, और जो भी मैं कर पा रही हूँ, मैंने आज तक इसको इतनी अच्छी डांसर बनाया, नामुमकिन को मुमकिन किया मैंने इसको, एक्टिंग, लिप सिंग, अच्छा डांस। और आगे सर सपोर्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा काम करे, और जी मैं चाहती हूँ कि अपने ये मॉडलिंग में भी आगे जाए और अच्छी एक्टर बने। और बस जरूरी हमने जो हमारा अरुण वासावर फिल्म और TS फिल्म, उसका प्रोड्यूसर मैं हूँ अमृत सिद्दीकी, और इस फिल्म इस सॉन्ग के डायरेक्टर राजू वासावर, जो बहुत फिल्म कर चुके हुए गाने की, अभी 2 और फिल्म करने जा रहे हैं हम लोग मिलके, और हिंदी 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और एक करने जा रहे हैं। और इसके यहाँ सॉन्ग दीपक जी ने लिखा हुआ है, जामनगर से दीपक राठौर गुजराती है, और दानिश अली ने म्यूजिक दिया हुआ है। बस कमरुद्दीन और तालिब इस तरह से आगे बढ़े। मैं तो गुजरात में छोटे मोटी फिल्में कर रहा हूँ, मैं तो एल्बम भी बहुत किया मैंने, मेरी भी एक हिंदी फिल्म आ रही है अवध, और इसके बाद दिवाली पर रिलीज़ हो रही है धर्म, वो गुजराती है। मैं फिल्में भी करता हूँ, एल्बम भी करता हूँ, और ये भाई है तो मैं इन लोग के लिए आते रहता हूँ। आ जाओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आज 13 प्यार का गाना भी लॉन्च था, एंड आप देख सकते हो अरुण वसावत फिल्म्स एंड TS फिल्म्स का आज एक बहुत प्यारा अवार्ड भी था, प्रेस्टीजियस अवार्ड्स एंकरिंग कर रही थी, एंड बहुत अच्छे अच्छे यू नो सेलिब्रिटीज़ आए थे, और सब अपने क्षेत्र में जो टॉप हैं सारे लोग आए थे। आई वॉज वेरी हैप्पी जॉइनिंग दैम एंड बींग पार्ट ऑफ इट। जी मेरी अभी फिल्म आ रही, तमिल फिल्म है, अभय दियोल जी के साथ है, इदु वेदालम सोलम कदई, एंड मेरी हाल ही में अभी फिल्म आई है रॉकी द स्लेव, हिंदी फिल्म है, एंड एक भविष्य फिल्म है मराठी में, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, अवार्ड रिसीव करते हुए कितना प्राउड फील हो रहा है आपको? ये
टीएस फिल्म्स के तरफ से बड़ा शानदार एक मौका मिला है, और जो भी अवार्डी हैं, अवार्ड लेने वाले हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको दिया गया, और इसलिए दिया जाता है अवार्ड, इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों के काम समझ में आवे, लोगों के काम समझ में आवे। जब लोगों के काम समझ में आता है तो डेफिनेटली है कि इंसान आगे तरक्की करता है। और हम लोग बेसिक हमारी कंपनी है ज़ा फिल्म्स इंटरनेशनल, हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एग्जीबिट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सी फिल्में मैंने अभी एग्जीबिट किया, प्रोड्यूस किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी अभी हमारी एक पिक्चर आई है टोकन द ट्रेजर, जिसको मैंने ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। इंटरनेशनल राइट्स भी लेता हूँ पिक्चरों का। अभी तीन तीन पिक्चर है जो मैंने प्रोड्यूस किया है फिल्म का। एक गब्बर सिंह टैक्स है जो लगा हुआ है सामने। अभी हमारी एक पिक्चर आई है अरे संसार रे संसार, 100 डेज सेलिब्रेट करा रहे थिएटर में। तीसरी पिक्चर दुबई है। ये तीनों को प्रोड्यूस मैंने किया है और सब बड़े अच्छे एक्सपीरियंस है। पूछे और क्या पूछना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बोला खान साहब, सबसे पहले तो बधाई देता हूँ मैं ये तेरे नाम की पूरी टीम को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर, एक्टर सबको। गाना बहुत अच्छा बना है, अच्छा लव सॉन्ग है, और मैं तय करता हूँ, दुआ करता हूँ कि गाना ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो जाए और ऐसे गाने और बनाते रहें। और आज जो अवार्ड फंक्शन है, तालिब भाई जो है हमारे काफ़ी करीबी है, इन्होंने हमें इन्वाइट किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे अवार्ड फंक्शन होने चाहिए कि ऐसे होने से एक दूसरे से मुलाकातें होती है, काम किस तरह से होता है, कैसा करना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर निकल के आती हैं। और जो गाना बना रहे, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, इनको भी एक हौसला मिल जाता है कि भाई चलो हमने कुछ अच्छा काम किया है, लोग आए मिले, तो अच्छा दौर रहता है। ये सब अवार्ड फंक्शन बहुत बढ़िया रहे। फॉर कॉलिंग अस एंड एसोसिएटिंग अस विद द फिल्म्स एंड एवरीथिंग, एंड वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू गेट एसोसिएटेड विद अरुण भाई एंड हिज फिल्म्स, एंड थैंक यू फॉर द कोलैबोरेशन, एंड आई विश ऑल सक्सेस टू देम फॉर दिस फिल्म। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, फर्स्ट अवार्ड मेरा है, बहुत खुशी हो रही है। और मेरा नाम दीपक राठौर है, और ये सॉन्ग जो मैंने लिखा है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कामरुद्दीन सर का, राजू भाई सर का, अरुण भाई वसावत का, जिन्होंने मुझे स्टेज पे पहुँचाया, आज मैं यहाँ तक आया हूँ। और मैं 17 साल की हूँ, और थैंक यू कामरुद्दीन सर जिसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। इट वॉज नाइसली ऑर्गेनाइज एंड वेल अपॉइंटेड ऑन ऑल पैरामीटर्स ऑफ एनी अवार्ड फंक्शन पर से, एंड डेफिनेटली इट इज़ आवर ग्रेटेस्ट प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस अवार्ड फंक्शन एंड गेटिंग अवार्ड ऑन द स्टेज बाई एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड टेलीफिल्म इंडस्ट्रीज, एंड वी बिलोंग टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, राइट? एंड ही इज़ आवर एम डी मिस्टर जावेद सलाट, हू हैज़ यू नो स्टार्टेड दैट ब्लू बेल विद अ थॉट ऑफ गिविंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विस एट द मोस्ट अफोर्डेबल यू नो प्राइसेस टू द सोसाइटी, एंड डेफिनेटली हिज विजन इज यू नो गेटिंग ऑलमोस्ट फुलफिल्ड डे बाई डे, एंड वी आर डूइंग प्रिटी गुड डे बाई डे एट एज रिगार्ड्स ऑफ द सर्विस फैक्टर। बिकॉज सी इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री देर इज़ ए कॉमन मिथ दैट हॉस्पिटल जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा बिल बन जाएगा, बट वी यू नो डिफिटेड दैट मिथ, एंड वी जनरली डेफिनेटली मीन दैट बाई सेइंग वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, वॉट वी मीन एंड वॉट वी डू दैट, राइट? एंड इट इज़ आवर प्लेजर एसोसिएटिंग विथ ब्लूबेल हॉस्पिटल, एंड इट्स ए यूनिट ऑफ सिप्रोज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, एंड ही इज़ द फाउंडर, ओनर एंड MD, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस हॉस्पिटल सिंस लास्ट 8-9 months, एंड डेफिनेटली वी विल टेक अप दिस हेल्थ केयर इंडस्ट्री थ्रू दिस हॉस्पिटल टू ग्रेटर हाइट्स विथ योर ऑल बेस्ट विशेज। थैंक यू सो मच। So it has been pleasure to be here. So I would say just only one line, because I have spoken too much over the stage. So it's my motto is healthcare for everyone.
at every affordable price. That's my motto. So that's it. Yeah. Thank you so much. And म्यूजिक तो खैर वो अच्छा है माशाल्लाह, और ये जो अवार्ड फंक्शन का जो तरीका है बहुत अच्छा लगा सबके लिए, ऐसा नहीं। और मैं चाहूँगा कि तालिब भाई भी और ये कंपनी भी बहुत अच्छे है, अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आगे बढ़े। मैं तो एक्टर और राइटर का काम करता हूँ। दूसरी है कि हमारी पिक्चर आ रही है बहुत बड़ी, उस पिक्चर में आज तो मैं सेकेंड लीड कर रहा हूँ, और वो पिक्चर में वो हमारी बिहार में आधी शूटिंग होगी और आधी मुंबई में होगी, और उसमें करेक्टर अच्छा है, मतलब न्यू लोगों को चांस मिल रहा है उसमें। और मैं दुआ करूँगा कि हर इंसान को कामयाबी मिले, जैसे आप लोग भी मेहनत करते हैं उनको भी उसी तरह मेहनत मिले करें और मेहनत का फल मिले। और इंशाल्लाह बिफोर के ये लिए भी पढ़ना, मतलब दुआ करता हूँ उनके लिए भी कि ये आज के जनरेशन से जो नए सितारे उभर रहे उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये प्लेटफार्म। बाकी तालिब भाई के लिए तो बात दोबारा सलाम करूँगा, और आप लोगों के लिए मीडिया के लोग भी सलाम करूँगा। गुड इवनिंग एवरीवन। ये बहुत ही अच्छा लगा हमें, तालिब जी ने बुलाया हमें। मेरा भी 2 महीने पहले ही मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ बिफोर यू में। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, और सबसे अच्छा लगता है कि वो अपकमिंग जितने स्टार है सबको सपोर्ट करते हैं, और इसी के लिए सबको ज़्यादा ये बूस्टअप मिलती है ना, तो और चाहते हैं कि और आगे बढ़े और कुछ करके दिखाए। इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारकबाद। तेरा प्यार जो आज सॉन्ग लॉन्च हुआ है, अरुण वसावत फिल्म्स के बैनर तले, और राजू वसावत जी ने इसको बहुत बखूबी डायरेक्ट किया है, और बहुत हुनरबाज जो हैं यहाँ पे होनहार, और बहुत टैलेंटेड लोग इस टीम में शामिल हैं। बीफोर यू म्यूज़िक का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि उनके चैनल पे ये जो सॉन्ग्स हैं आप देख पाएंगे वीडियो, म्यूज़िक वीडियो उसका। और बहुत खुशी हो रही है कि आज ये अवार्ड से सम्मानित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन सिद्दीकी भाई का, तालिब भाई का ख़ासकर, क्योंकि उनका प्यार और उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं, और हमेशा अपने कोई भी जो भी वो काम करते हैं छोटे बड़े में उनकी ये उम्मीद होती है, उनकी ये तमन्ना होती है कि मैं उसका एक हिस्सा बनूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को आज नवाजा गया अपने टैलेंट के वजह से, अपने इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे लोग, इतने सारे होनहार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये फिल्म ये गाने की यार गाना अभी इतना सुना ही नहीं है मैंने। मेरा सॉन्ग, हाँ, कल जन्माष्टमी का उपलक्ष्य है, और गोगो गोविंदा मेरा गाना जो सबसे पहला गाना था मेरा, आज जैसे ये सॉन्ग लॉन्च हुआ है तेरा प्यार, वैसे 12 साल पहले जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे ही मेरा गाना आया था ये, और उससे मेरी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको जितने भी देखने वाले हैं जन्माष्टमी की। अटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला, तो हम भी फुवारे हैं तू आजमा पे है तो चांद तारे हैं हम, चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। ला 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 ना 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 ना। गो 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 गोविंदा, बोलो कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन तालिब भाई और सभी टीम को। म्यूजिक एल्बम जो रिलीज़ हो रहा है उन लोग सभी को मेरा ब्लेसिंग, इट विल बी ग्रेट। थैंक यू। मैं तो बंगाली रीजनल करता हूँ, यहाँ छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। भूल भुलैया 3 मेरी आने वाली है, एक सलमान भाई के साथ अभी मेरी एक साइन हुई है इंशाल्लाह, और दो चार हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट, देखा जाए क्या होता है। जो सॉन्ग लॉन्च हुआ उसके बारे में क्या शेयर करना चाहते हैं?
जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अक्सर आजकल के दुनिया में मैं मेरा मेरा होता है, पहली बार आज मैं सुनने में आया कि तेरा यहाँ तेरा प्यार है, तो वाकई जब तेरा प्यार होगा तो फिर मेरा प्यार कम हो जाएगा और तेरा प्यार बढ़ जाएगा, और जब तेरा प्यार बढ़ जाएगा तो सब अपने आप सब कुछ बढ़ जाएगा, और जब बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है, घटता है तो दुख होता है, और यहाँ ऑफकोर्स दुख का मामला है ही नहीं। और दूसरी बात, तालिब भाई, अरुण बसावा भाई, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हमारा लंबा एसोसिएशन रहा है, लगभग 20 सालों से जानता हूँ, और ये बहुत कर्मठ व्यक्ति है और हमेशा ये कुछ न कुछ नया नायाब करते रहते हैं, और वाकई ये अवार्ड शो करके इन्होंने जता दिया, बता दिया कि हाँ शुरुआत की जा सकती है, और अच्छा शुभारम्भ किया है, और ये आरम्भ एक दिन बहुत बड़ा प्रारंभ का रूप लेगा, ये फॉर श्योर है। मेरी सोनी लीफ पे 3 वेब सीरीज़ है, द पेपर ट्रायल और नॉट सो फेमस, और एक आएगा तलाक मुबारक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, और फीचर फिल्म है तोता उड़ मैना उड़। मुमकिन करके दिखाएंगे, एक आगे और एक गाना बनाने जा रहा हूँ जी, मैं खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, इनको लॉन्च कर रहा हूँ, और इसने काफ़ी सॉन्ग में काम भी किया है, करती है काम, आइटम सॉन्ग भी किया है और पंजाबी सॉन्ग भी किए हैं, तो जो माँ बाप का साथ होता है ना तो कोई भी बेटी कर लेती, बस भले सुन पाती लेकिन देखिए फील तो करती ना, फील तो होता है उसको, ये एक सॉन्ग है उनका।